मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 13 साल की बच्ची नकीबा की मौत पर पूरे शहर में हंगामा हुआ, तब जाकर प्राइम क्रिटिक केयर अस्पताल की सीईओ सामने आई और प्राइम क्रिटिक केयर अस्पताल की सीईओ समीरा बैरे ने भी क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे और नकीबा के पिता ने भी क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सीओ समीरा बैरे ने इस पर क्या कहा है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सीओ का कहना है कि उस बच्ची में कोरोना के लक्षण थे और उसे हाई मशीनरी की ज़रूरत थी। मगर साथ ही ये भी बताया कि 19 मई को मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास मुंब्रा सिटी हॉस्पिटल है और वहाँ के डॉक्टरों ने उस बच्ची को एडमिट करने के लिए कहा था, मगर परिवार वालों ने एडमिट नहीं किया। सीओ का कहना है कि जब हमारे प्राइम हॉस्पिटल में ये बच्ची को लाया गया तो उसे बुखार तेज था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जो कोरोना के लक्षण है। उन्हें कलवा शिवाजी अस्पताल या सिविल अस्पताल ले जाने को कहा गया था, मगर घर वाले नहीं ले गए। मगर वही बच्ची के पिता ने यह भी बताया है कि उनसे किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनकी बच्ची को कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल सीओ समीरा बैरे ने यह भी कहा है कि डॉक्टर स्टाफ हमारे पास नहीं है। यही बात मरीजों को भी बताया जाता है कि आईसीयू बंद है और डॉक्टर स्टाफ नहीं है। इस पूरे मामले में प्राइम हॉस्पिटल की सीईओ और नकीबा के पिता हसीबुर रहमान ने क्या कहा है हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि बच्ची को भर्ती करने के लिए वो अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे और सबसे पहले प्राइम अस्पताल की सीईओ समीरा बैरे ने इस बच्ची की मौत पर क्या कहा है सुनिए। जो 13 साल की नकीबा आपके यहाँ हॉस्पिटल में आई थी भर्ती होने के लिए, तो ऐसा बताया गया है कि आपके हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। जी, मैं आपको उसकी पूरी स्टोरी बताती हूँ। ये जो लड़की जो बच्ची थी नकीबा, ये बच्ची 19 तारीख के दिन सुबह में उसको 11 बजे उसके पेट में जो पानी था उसकी टैपिंग की जो इलाज था उसका मुंब्रा स्टेशन के पास एक अस्पताल में किया गया था और वहां पर उसकी हिस्ट्री ये है कि उसके बाद वो ब्रेथलेस हुई थोड़ी सी और उसको बुखार 6-7 दिन से उसको 102-104 बुखार आ रहा था। तो ये बच्ची को उसी वक्त सुबह में 11 बजे 19 तारीख को वहां के डॉक्टर ने कहा कि आपको एडमिट करने की जरूरत है, तो घर वालों ने मना किया किसी वजह से, तो उन्होंने उनको कलवा शिवाजी और थाना सिविल का एडमिशन का लेटर बना के दिया सुबह 11 बजे कि आप वहां चले जाइए, बच्चे को एडमिशन की जरूरत है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, घर पे बच्ची नहीं रह सकती। उसके बाद बहरहाल वो बच्ची को 11 बजे वो लोग लेकर चले गए, घर चले गए, कहाँ गए पता नहीं। हमारे पास जब बच्ची शाम को 6:30 बजे आई तो वो बच्ची का डॉक्टर ने पूरा हिस्ट्री लिया है, जिसके उसके घर वालों ने उसकी हिस्ट्री दी है, राइटिंग में उन्होंने पूरा दिया है कि ये बच्ची का कहाँ कहाँ क्या हुआ, उसकी फाइल भी थी, उसके साथ में रिपोर्ट्स भी थी उसकी टैपिंग की। उसके बाद जब वो बच्ची हमारे पास आई तो उसको 101 डिग्री बुखार था, वो बच्ची ब्रेथलेस हो रही थी, यानी जो सुबह में 11 बजे जो थोड़ी सी ब्रेथलेस हुई होगी उसके बाद जब डॉक्टर ने कहा कि आगे चल के इसकी तबीयत खराब हो सकती है, इसको एडमिशन की जरूरत है, वो शाम के 6:30 बजे तक उसकी ब्रेथलेसनेस और बढ़ गई थी, यानी वो सांस नहीं ले पा रही थी। ये कोविड के सिम्टम्स हैं, 6-7 दिन से बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये कोविड के सिम्टम्स बता रहे। तो आखिर जो और मुंब्रा के जो पेशेंट निकल रहे हैं उनको, और भी जो मुंब्रा के आपका ही हॉस्पिटल नहीं और भी हॉस्पिटल है, लेकिन फिलहाल जो आपका हॉस्पिटल है इसमें भर्ती आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है? भर्ती नहीं लिया जा रहा है, COVID-19 कहा जा रहा है, COVID-19 जो है आप चेकअप कराए, अगर एक हार्ट का मरीज आ जाता है अर्जेंट में तो उसका COVID-19 चेक कैसे होगा? जब तक चेक होगा तब तक तो उसकी डेथ हो जाएगी ना भाई। मैं आपको तो इसके लिए आपका हॉस्पिटल क्या कदम उठा रहा है, कुछ अलग से सुविधा इसके लिए बनाई जा रही है, कुछ व्यवस्था की जा रही है? मैं आपको ये बता दूंगी, हमारा हॉस्पिटल जो है एक छोटा सा हॉस्पिटल है, यहाँ पर मेरे पास अभी भी अब अगर आप आते हैं तो मेरे आईसीयू में 2 स्टाफ हैं, इसलिए मेरे पास आईसीयू में 2 पेशेंट हैं, जिसमें से एक हार्ट अटैक का पेशेंट है जिसको आज ही अभी हार्ट अटैक दिन में आया था, तो हमने उसको जो है थ्रोम्बोलाइज किया है, यानी हार्ट अटैक का जो इंजेक्शन की दवाइयां देते हैं वो देके रखा गया है। मैं ये बोल रही हूँ कि जिस दिन मेरे पास कम स्टाफ है, मेरे पास जितना स्टाफ है मैं उतना ही एडमिट करूंगी ना पेशेंट्स को। और दूसरी बात यह है कि जो आईसीयू में हम एडमिट कर रहे हैं, जिस दिन ये बच्ची आई उस दिन हमारे अस्पताल में 5 इमरजेंसी सर्जरीज हुई थी,
जी, तो जो और पेशेंट आते हैं आपके यहाँ उनसे कहा जाता है स्टाफ नहीं है, डॉक्टर हाँ, नहीं तो है, आईसीयू बंद है, तो ऐसे में जो शहर के आम पेशेंट है वो लोग आखिर कहाँ जाएंगे, किस हॉस्पिटल में जाएंगे? इसका सवाल तो हमको गवर्नमेंट से लेना है ना। वही बच्ची के पिता ने भी बताया है कि मैं बच्ची को भर्ती करने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा, मगर किसी अस्पताल ने भी इस बच्ची को भर्ती नहीं किया। प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में मैं दो बार आया, पहली बार सिर्फ तेज बुखार होने और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो कहा गया कि आईसीयू बंद है, कहीं और ले जाओ। शाम में जब दोबारा लेकर आया तो बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और भर्ती नहीं ले रहे थे, मगर किसी तरह से काफ़ी देर बहस होने के बाद बच्ची को भर्ती लिया और बच्ची की मौत हो गई। मगर उनसे किसी भी डॉक्टर या नर्स ने ये नहीं बताया कि आपके बच्ची में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे थे। सुनिए बच्ची के पिता हसीबुर रहमान का क्या कहना है। आसिफ भाई मिल गए, वो कह के चलिए प्राइम में लेके जाते हैं, उनके साथ मैं वहाँ चला गया। बच्ची हमारी मतलब रिक्शा पर ही बैठी हुई थी, हालत बिगड़ती जा रही थी उसकी, रिक्शा पर ही बैठी थी माँ की गोद में। मैं वहाँ गया, वहाँ जा कर के उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने से बात किया, इनको बुलाया और मुफ्ती साहब को बुलाया। तब मुफ्ती साहब तीनों मिल करके वहाँ अंदर गए। अंदर जाने के बाद उल्लू से ज़बरदस्ती करवा करके बच्ची को बुला मंगाए वहाँ से, बाहर से। अच्छा, तो इस दौरान ये बताया गया था आपसे कि क्या आपके बच्ची को कुछ कोरोना वगैरह के सिम्टम्स दिखाई? नहीं जी, नहीं। अच्छा, ये सब नहीं बताया? नहीं, कुछ भी नहीं है। वो हमोगुमान में भी नहीं, अभी तक वो हमोगुमान में नहीं है, कुछ अच्छा, नहीं बताया। हॉस्पिटल के जो सीईओ है प्राइम के, उनका कहना है कि आप मुमरा स्टेशन के पास एक हॉस्पिटल में बच्ची को दिखा रहे थे, तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा था कि आप जो है एडमिट कर दो, तो आप लोग बोले कि हम एडमिट कहीं नहीं करेंगे, घर लेकर चले आए थे। गलत बात है, वो ख्वाब देख रहा था क्या? वो ख्वाब देख रहा था? कहाँ ख्वाब देखा वो, बल्कि मैं वहाँ के डॉक्टर को कहा कि बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है, गर्मी बहुत हो रही है, बच्ची परेशान हो रही है, आप मुझको इजाज़त दे दीजिए कि मैं कहीं दूसरी जगह आईसीयू वगैरह जहाँ हो एहतमाम वहाँ लेके जाऊँगा। तो वहाँ के जो असिस्टेंट डॉक्टर थे उन्होंने अपने बड़े खान ऊपर वाले डॉक्टर से इजाज़त ले करके मुझको कहा कि आप जा सकते हैं, बल्कि गौतम का नाम बताया था, गौतमी का नाम बताया था। तो मैं अपने मौलाना साथियों से रابطہ कायम करके उन लोगों से पूछा कि यहाँ पेट के लिए अच्छा हॉस्पिटल और अच्छा डॉक्टर कहाँ है। हॉस्पिटल के बाहर आप अपने बच्चे को लेकर लगभग कितने घंटे रहे हो? सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ से डायरेक्ट 3 बजे या 3:30 बजे मैं निकला मोमला सिटी से, तो वहाँ आया प्राइम में। प्राइम में सबसे पहली बार वहाँ जब आया तो वो चेक चाक करके उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे पास आईसीयू का एहतमाम नहीं, आईसीयू बंद है, ना उसका स्टाफ है। वहाँ से मैं वापस लेकर के बिलाल गया। अच्छा, यानी रात के समय दोबारा आप प्राइम में? हाँ, जब लास्ट में आए तो भाइयों ने मिला। हाँ, यानी देर आप बच्ची को लेकर मुमरा के अस्पताल घूमते रहे? जी जी हाँ। तो रात के समय जब बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए लिया गया, उसके बाद आपको सूचना दी गई कि बच्ची का डेथ हो गया? हाँ, वो लोग एहतमाम में लग गए बच्चे के पीछे। हाँ, अपने काम में लग गए बच्चे को लेकर के। फिर कुछ देर बाद उन्होंने खबर दिया कि ऐसा हो गया, डेथ हो गया। आपने सुना कि बच्ची के पिता और प्राइम क्रिटिकल केयर अस्पताल की सीईओ ने क्या कहा है, और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इन दोनों में कौन सच बोल रहा है। ये वो अस्पताल है जो हमेशा डॉक्टर और नर्स से भरे पड़े रहते थे, मगर आज मुमरा शहर में मासूमों की जान जा रही है और इन अस्पतालों में ना डॉक्टर है, ना स्टाफ है, और आईसीयू बंद है। यही हकीकत है मुमरा शहर की। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।